सो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त विनीत और आप देख रहे हो हमारा और आपका चैनल टेक्निकल भैया जी। तो आज का शॉर्ट आउट जाता है टेक्निकल राहुल भैया, अनूप गोसाल, प्रेम भैया, हरविंदर गेमिंग, गेमिंग इज ग्रेट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो एक प्यारा सा कॉमेंट कर दीजिए कॉमेंट बॉक्स में एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तो आपको भी मिलेगा शॉर्ट आउट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अब से शॉर्ट आउट के पुराने रूल्स ही माने जाएंगे जिसकी बहुत डिमांड थी। एंड यहाँ पे मेरे बैग में थोड़ा सा पेन है, इसलिए हो सकता है वॉइस सही से ना रही हो तो उसको इग्नोर कर देना। तो फ्रेंड्स यार, यहाँ पे आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ RC20 की गुड न्यूज़ प्रूफ। तो फ्रेंड्स यार, जैसा कि आपको पता होगा, इनका जो लॉकडाउन कॉन्टेस्ट हुआ था उसके बाद इन्होंने पोस्ट किया था, जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इसमें इन्होंने सेकेंड पैराग्राफ में कहा था कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे फीचर्स तैयार हैं और अच्छे अच्छे फीचर्स लाएंगे, वो लाइनेड अप है एंड आपकी डिमांड्स पे काम होगा, ठीक है, सजेशंस पे। तो यहाँ पे वो तब ये पोस्ट आई थी जब मतलब लॉकडाउन की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मतलब क्रिटिकल थी, मतलब बहुत ज़्यादा सख्त नियम थे उस वक्त, तब की थी। तो फ्रेंड्स यार, अब के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा छूटें मिल चुकी हैं लॉकडाउन में। एंड यहाँ पे जब उन्होंने उस वक्त कहा था कि हमारे फीचर्स तैयार हैं, तो फ्रेंड्स यार क्या इसीलिए मतलब यही मजाक करने के लिए तो नहीं किया होगा ना ये, मतलब कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ चल रहा है भाई यार, उनके अंदर ही अंदर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कैरियर मोड की एंड फीचर्स की। हाँ, लेकिन कैरियर मोड आपको बता दूं कि कोई आसान फीचर नहीं है। अगर आपका गेम न्यू होता है तो आपको 5 से 6 महीने लगते हैं, अगर आपका गेम पुराना होता है तो आपको 3 से 5 महीने तक लग जाते हैं अगर उसी गेम में एनिमेशन जोड़ने में। देखो यार, कैरियर मोड असल में प्रॉब्लम क्या होती है इसको क्रिएट करने में, देखो सबसे पहली जो इसमें प्रॉब्लम होती है वो असल में जो प्रॉब्लम होती है ना, ये कैरियर मोड बनाने में नहीं होती मेरे भाई। असल में इसके प्रॉब्लम ये आती है कि इसको स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाए एंड गेम की साइज को मेंटेन कैसे किया जाए, असल में ये प्रॉब्लम होती है, ना कि कैरियर मोड बनाने में प्रॉब्लम होती है। यही जो होती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अगर हम कैरियर मोड को लाएंगे तो यहाँ पे हमारे गेम का साइज बढ़ेगा। एंड जैसा कि आपको पता होगा इस अपडेट से रिलेटेड कि नॉटिलस मोबाइल कंपनी है जो उसका मतलब 2 मेगा अपडेट के बीच डिफरेंस होता है, मतलब कितने टाइम का अंतर होता है वो है 5 मंथ्स के अराउंड, ठीक है, तो 4 to 5 मंथ के अराउंड होता है। इस बार उनका जो उस मेगा अपडेट को आप मेगा अपडेट तो नहीं कह सकते हो, आई थिंक ठीक ठाक ही था, फिर भी अगर आप उसको इग्नोर कर दो तो 2 महीने तो हो ही चुका है, ठीक है ना। जब 2 महीने हो चुका है एंड यहाँ पे आने वाले जो 2 मंथ्स हैं तो वहाँ पे आपको दिवाली का कुछ ऑफर देखने को मिल सकता है, आई थिंक हो सकता है कुछ फीचर्स डिस्काउंटेबल हो सकते हैं। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि कैरियर मोड इसी टाइम आने वाला है इसी गेम में, तो मैं आपको बता दूं कि रियल क्रिकेट 20 में आपको कैरियर मोड देखने के चांसेस जस्ट 25% है, इससे ज़्यादा चांसेस नहीं है। एंड गुड न्यूज़ ये है आपके रियल क्रिकेट फैंस के कि बैकग्राउंड में यहाँ पे कैरियर मोड की प्लानिंग चल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, वो क्योंकि इनका जो धीरे धीरे आप देख रहे हो ना, जैसा ये आपको हिंट्स दे रहे हैं लॉकडाउन वगैरह से, जैसा आप देख सकते हो कि इन्होंने हैकिंग इशू बंद किया, क्योंकि देखो कैरियर मोड ऑनलाइन कैरियर मोड ऑफलाइन कैरियर मोड ये दोनों बनाना चाहते हैं। अगर ये ऐसा करेंगे कि हैकिंग को नहीं फिक्स करेंगे तो हैकर जो होंगे उनका कैरियर तो अच्छे से गेम के अंदर हो जाएगा, लेकिन जो मतलब सिंपल प्लेयर है उनका ठीक से नहीं हो पाएगा। एंड यही इशू की वजह से वो हैकिंग को फिक्स किया है। मल्टीप्लेयर में हो सकता है 2 टाइप का आपको कैरियर मोड मिले, एक मल्टीप्लेयर कैरियर मोड यानी ऑनलाइन कैरियर मोड एंड एक ऑफलाइन कैरियर मोड, तो इस टाइप का आपको कैरियर मोड देखने को मिल सकता है। एंड इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा गाइस, कहते हैं ना इंतज़ार का फल मीठा होता है। एंड मैं आपको बता दूं मेरे भाई, जो लोग मल्टीप्लेयर हैक कर रहे हैं ना, तो भाई साहब यार आप बचने नहीं वाले हो अगर आप मल्टीप्लेयर हैक करोगे तो, क्योंकि यार जो मल्टीप्लेयर हैक करने में ना वो कंपनी को बहुत ज़्यादा पता चल जाता है। एंड अगर आपने क्विक प्ले हैक किया तो आप बचना है तो आप या तो हैक को हटा दो या फिर आप डेली 2-3 गेम प्ले खेलो, तो इससे आपकी आईडी को बैन होने के चांसेस बहुत कम है।
तो यही तरीका है आप जिससे आप आईडी भी बैन नहीं होगी आपकी। एंड आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है क्योंकि RC20 ने कोई मजाक के लिए तो कहा नहीं होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बस यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक ठोक दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को, साथ में बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर देना। एंड आपके लिए एक सरप्राइज है कल की वीडियो में, तो फ्रेंड्स क्या जानना चाहते हो आप सरप्राइज, तो लाइक कर देना। एंड प्लीज़ भाई यार हमें बहुत ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, मनी की, तो प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए पूरा वीडियो देखकर। अगर पूरा वीडियो देखा है तो थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।